नगर निगम चुनाव में भाजपा के बागियों ने पैंच उलझा रखा है। ऐसे में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ी हुई है। वार्ड क्रमांक 5 में ऐसी ही स्थिति है। इस वार्ड में कांग्रेस से सिंधिया खेमे में आयात होकर आए भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार की भाजपा के बागी उम्मीदवार अशोक सिंह गहलोत ने हालत खराब कर रखी है। ऐसे में कांग्रेस को इस वार्ड में बढ़त मिलती दिख रही है। दरअसल इस वार्ड में कांग्रेस ने शहर कांग्रेस में महामंत्री युवा चेहरा आनंद देशवाली मीणा को उम्मीदवार बनाया है। उनके जनसंपर्क में खूब भीड़ उमड़ रही है। वे घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। लोगों से मिल रहे अपार जन समर्थन से वे उत्साहित हैं। आनंद देशवाली के मुताबिक अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे सबसे पहले वार्ड की दैनिक ड्रेनेज की समस्या को हल करवाएंगे, क्योंकि लोगों के घरों में बारिश के दौरान पानी भर आता है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इस बारे में कोई काम नहीं किया है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। जैसा कि आप सबको पता है, महाकाल के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा दायित्व मिला है। आज हम हमारे परिवार की सेवा विगत 3 सालों से कर रहे हैं। जो आज वोट मांगने जा रहे हैं, वोट मांगने आज जनता ये पूछ रही कि आप 3 साल से कहाँ थे। हमने आपको जनप्रतिनिधि पहले बनाया था। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम विधा मतलब जनपद नहीं थे, फिर भी लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ हमें, और आगे भी सेवा निरंतर जारी रहेगी। जब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो लोग आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं? लोगों की अपेक्षाएं, लोग परेशान हो चुके हैं। जो दल बदल की राजनीति है, जिसको कांग्रेस में चुना वो बीजेपी में, बीजेपी से परेशान है तो जाए कहाँ। महंगाई के मुद्दे आपको गिनाना में उचित नहीं समझता। आप भी घर परिवार लेकर बैठे हैं, सारी चीज़ें आपको जानकारी, हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं, तो बीजेपी का तो वैसे ही विरोध है। आप विगत दिनों देख सकते हैं कि मामाश्री की सभा फेल हुई थी। एक कमलनाथ जी के 13 महीने का कार्यकाल था, जो इतना संपूर्ण रहा, आज अट्रैक्टिव रहा कि आज शहीद पार्क से टावर तक पूरी भीड़ थी। बाढ़ की समस्या है, वो किस तरह की समस्या है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर जो बीजेपी के पार्षद रहे हैं तो उन्हें समस्याओं की तरफ जाओ, लोग किस तरह से परेशान हैं? देखो, ये है इंदिरा नगर, यहाँ की मूलभूत समस्या जो है पानी निकासी की। सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ रहेगी कि जो 1980 में हाउसिंग में जो चैम्बर्स बने हैं उसको दुरुस्त किया जाए या फिर रिनोवेट किया जाए, इससे यहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था हो, सबसे प्रथम ये। उसके बाद में उद्यान वगैरह हैं, यहाँ पर सोलह सागर है, उसको हेरिटेज बनाया जाएगा, पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, और भी बहुत सारे स्मार्ट प्लान हैं इसमें, जो अपन उसको आधुनिक करेंगे। कांग्रेस से जो पूर्व पार्षद हैं रहे हैं, वो इस बार से आप बीजेपी के टिकट पे आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सवाल का मैं सम्मान करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये पूछा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट घूम रहा है बीजेपी का, उसमें हमारे आदरणीय दिलीप सिंह परमार जी अपनी गतिविधियां गिना रहे हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वो बता रहा है कांधार व तालाब पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपसे निवेदन है कि इसके बाद में एक बार आप उसका फुटेज जरूर लें। उनने जो सीसी कॉन्क्रीट रोड का निर्माण किया है, आप एक बार उसको देखें। और ये कार्यकाल कांग्रेस का गिना रहे हैं, आज वो शायद भूल रहे हैं कि वो भाजपा से प्रत्याशी हैं।